हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ के इस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कंपैरिजन वाले चैप्टर में स्वागत है आपका। और आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो जो आपको पसंद आए होंगे, जो टेंथ से रिलेटेड थे, और उससे आपको मदद मिली होगी। यहाँ पर मैं दोनों का कंपेयर करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट दोनों को कंपेयर करके यहाँ दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, और कैसे आप जब ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट दोनों का वर्ब दिया रहता है, तो आप कैसे वहाँ पर उसे यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो यूज द कंटिन्यूअस फॉर समथिंग दैट इज हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, माने कि जिस वक्त हम बोल रहे हैं उस वक्त हो रहा है या उसके इर्द गिर्द हो रही है अगर घटना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जान लीजिए कि द एक्शन इज नॉट फिनिश्ड, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन फिनिश्ड नहीं होता है, इनकम्प्लीट वर्क होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और ये नाउ अभी के बारे में बताता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है डायग्राम बना करके, पास्ट, नाउ और फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट इसको कहेंगे नाउ को, तो ये केवल और केवल नाउ यानी प्रेजेंट की बात करता है, ना पास्ट की बात करता है, ना ही फ्यूचर की बात करता है। लेकिन अगर बात करेंगे हम इसकी, और हम बात करें सिंपल प्रेजेंट की, तो हम पाते हैं कि यूज द सिंपल फॉर थिंग्स इन जनरल और थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो हम उसको जनरल वे में बात करते हैं, या जो चीज़ें बार बार होती हैं, रिपीटेडली होती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वैसे कार्य के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पास्ट से भी रिलेशन होता है, प्रेजेंट से भी होता है, और यहाँ फ्यूचर से भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं पहले भी जाता था, अभी भी जाता हूँ और आगे भी जाऊँगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा देखते हैं, एग्जाम्पल्स जो है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स में, द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ। तो यहाँ पर देखिएगा, पानी जो है वो अभी उबल रहा है, तो कहा जा रहा है कि आप उसे बुझा देंगे, मैंने चूल्हे को बुझा देंगे ताकि पानी उबलना बंद हो जाए। तो अभी पानी उबल रहा है, तो उसके लिए कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, ये जो पानी का उबलना है, अगर चूल्हे को बंद कर दिया जाएगा तो ये पानी उबलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस अभी करें, चाहे कभी भी, चाहे अभी शताब्दी कुछ बीत जाएगी, उसके बाद भी अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान देंगे तो पानी उबलेगा। तो ये जो है साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट लगेगा, और ये साइंटिफिक फैक्ट तो है नहीं, जो अभी काम हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ देखिए, लिसन टू दोज पीपल, व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग, माने उस उन लोगों को सुनिए, कब की बात हो रही है, तो उस समय की बात हो रही है जो बोला जा रहा है, वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, इसमें दिया हुआ कि एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, मान लीजिए कोई बोल रहा है क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ पूछना है और आप इंग्लिश भाषा ही जानते हैं, कोई और नहीं जानते, तो क्या पूछेंगे किसी से जानने के लिए, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, वो जान लेंगे, उसके बाद आप उससे पूछेंगे। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, है ना, क्योंकि काम हो नहीं रहा है बल्कि उसके बारे में पूछ रहा है, उसके हैबिट के बारे में पूछ रहा है, उसके भाषा के बारे में पूछ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, अब और सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप पढ़िएगा, पढ़ेंगे तो आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखिए, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, यूज़ द कंटिन्यूअस फॉर ए टेम्पोररी सिचुएशन, यानी टेम्पोररी सिचुएशन के लिए। टेम्पोररी सिचुएशन कहने का अर्थ है कि जो क्षणिक अवधि के लिए कोई काम हो रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि अल्प अवधि के लिए कोई काम हो रहा हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो परमानेंट सिचुएशन के लिए करते हैं। देखिए, यहाँ पर है कि आई एम लिविंग विथ सम फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड ए फ्लैट, जब तक मुझे फ्लैट नहीं मिल जाता मैं अपने मित्रों के साथ रह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, टेम्पोररी सिचुएशन है। लेकिन वहीं यहाँ देखिए कि इसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, लंदन में रहते हैं, वो परमानेंट लंदन में ही रहते हैं। ये जो है परमानेंट सिचुएशन है। तो परमानेंट सिचुएशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का करते हैं, और टेम्पोररी सिचुएशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये कंपेरिजन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ आया था, आपने देखा होगा, मैं क्वेश्चन में दिया था, ऑलवेज करके दिया था, और वहाँ पर बिफोर लगा था, ये क्या है, थोड़ा देख लेते हैं ये कैसे संभव है कि ऑलवेज का प्रयोग हो और बिफोर लगे। देखिए, ऑलवेज का प्रयोग होता है तो ज़्यादातर उसमें सिंपल प्रेजेंट ही लगता है, और सिंपल प्रेजेंट तब लगता है जब वह वेरी ऑफन या टू ऑफन काम नहीं किया गया हो, यानी नॉर्मल सेज अधिक नहीं किया गया हो। अगर नॉर्मल दिखाई दे रहा है कोई चीज़, अगर नॉर्मलिटी दिखाई दे रही है, एब नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है, यानी नॉर्मलिटी दिखाई दे रही है,
सामान्य तरीके से कोई चीज हो रहा है तब तो ऑलवेज लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लेकिन वही असामान्य हो जाती है बार बार, बहुत बार, ऐसा इतना बार जितना बार नहीं होना चाहिए अगर चीजें होती हैं, तो वहां पर ऑलवेज प्लस बिफोर लगेगा, जिसमें आपको मैंने बताया था कि वहां पर अगर इरिटेशन का भाव होता है, इरिटेशन का भाव होता है तो ऑलवेज के साथ बिफोर का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ समझाया भी गया है कि कैसे ऑलवेज लगेगा, यहाँ इसको पढ़ेंगे आप। और यहाँ देखिए दिया हुआ है कि यू आर ऑलवेज वॉचिंग टेलीविजन, यू शुड डू समथिंग मोर एक्टिव, मैंने वो जितना देखना चाहिए उससे ज़्यादा देख रहा है, इसलिए वहाँ पर इरिटेशन का भाव व्यक्त हो रहा है, खिन्नता का भाव व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए ऑलवेज के साथ भी फोर लगाया गया है ना। इसलिए यहाँ पर भी देखिए, जॉन इज नेवर सेटिस्फाइड, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो इतना कंप्लेन करता है जितना कि कंप्लेन नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए ऑलवेज के साथ भी फोर लगा हुआ है। अगर सामान्य तौर पर कहा जाए तो वहाँ पर जैसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा, ये सामान्य है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि आई आई सी ऑलवेज हेल्प्स मी, वो मेरी हमेशा मदद करती है, ये भी सामान्य बात है, नॉर्मल बात है, तो वहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अगर सामान्य से ज़्यादा, नॉर्मल से अधिक होगा तो वहाँ पर ऑलवेज प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना कि ऑलवेज प्लस आईएनजी मींस दैट यू डू समथिंग वेरी ऑफन, बहुत बार आप कोई चीज़ करते हैं, मोर ऑफन देन द स्पीकर थिंक इट इज नॉर्मल और रीजनेबल, माने उससे ज़्यादा जितना कि वो स्पीकर जो है वो सोचता है कि वो नॉर्मल है या नॉर्मल नॉर्मल से अधिक है, रीजनेबल माने तर्कपूर्ण तरीके से ज़्यादा वो है, तो उसके लिए हम ऑलवेज के साथ बिफोर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल का दूसरा पार्ट ये है कंपैरिजन का। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है, उसी को मैं लेकर के आया हूँ, आप इसे देखेंगे, बहुत आपको मदद मिलेगी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर आपको सही लिखने में, या फिर सही बोलने में भी। देखते हैं इसको, या देखिए वी यूज कंटिन्यूअस टेंस इज ओनली फॉर एक्शन एंड हैपनिंग, कह रहे हैं कि केवल एक्शन के लिए और हैपनिंग के लिए, कोई चीज़ हो रही है उसके लिए, चाहे कोई एक्शन हो रहा है उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सम वर्ब्स जैसे कि नो है, लाइक है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। और यू कांट से आई एम वर्क नोइंग और दे आर लाइकिंग, आप नहीं कह सकते हैं इस प्रकार से कि मैं जान रहा हूँ और वे पसंद कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। यू कैन ओनली से आई नो, मैं जानता हूँ, और दे लाइक, वे पसंद करते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज इन कंटिन्यूअस टेंस, ये जो निम्नलिखित वर्ब हैं इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, जैसे लाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, वांट हो गया, नीड हो गया, प्रेफर हो गया, नो हो गया, रियलाइज हो गया, सपोज हो गया, मीन हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, बिलीव हो गया, रिमेंबर हो गया, बिलोंग हो गया, कंटेन हो गया, कंसिस्ट हो गया, डिपेंड हो गया, सीम हो गया, ये जो वर्ड हैं इनका प्रयोग आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आई एम हंगरी, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, आई एम वॉन्टिंग नहीं होगा यहाँ पर, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से डू यू अंडरस्टैंड हो जाएगा, इसी प्रकार से एंड डज नॉट सीम हो जाएगा, ये कभी भी सीमिंग नहीं होगा। वेन थिंक मीन्स बिलीव, जब देखिए अब यहाँ भी कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जब थिंक का मतलब बिलीव होता है, सोचना नहीं होता है, विश्वास करना होता है, तो तब डू नॉट यूज कंटिन्यूअस, तब आप कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते। जैसे व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, तो इसका मतलब हो जाएगा विश्वास करना, बिलीव के सेंस में आ रहा है। यहाँ पर व्हाट आर यू थिंकिंग नहीं हुआ है ना, बट यू लुक सीरियस, यू आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। अब देखिए जब भी ध्यान रखिए कि थिंक का मतलब सोचना होता है ना, विश्वास करना नहीं, बिलीव के सेंस में नहीं, अगर सोचना होता है तो व्हाट इज गोइंग इन ऑन योर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर इन योर माइंड, मैंने समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, इस प्रकार का अगर सेंस आता है तो जाहिर सी बात है कि थिंक का प्रयोग कंटिन्यूअस में होगा। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माई जॉब, मतलब मैं सोच रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, तो विचार करने के सेंस में आएगा ना, तभी भी थिंक का प्रयोग होगा तो कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। वेन हैव मीन्स पजेस, जब हैव का, अभी इसको भी देख लीजिएगा, आप लोग देखे होंगे कि आई सीता हैज थ्री सन्स और सीता इज हैविंग गुड टाइम, दोनों में अंतर है, वही उसी को यहाँ पर दिया है कि अगर हैव का मतलब पजेस होता है, यानी स्वामी होना, रखना है ना, के सेंस में आता है, रिलेशन के सेंस में आता है, तब उसी इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है, ठीक है। वेन वी आर इंजॉइंग आवर होलीडे, वी हैव ए नाइस रूम इन होटल एंड वी आर इंजॉइंग ऑन आवर होलीडे, और यहाँ पर दिया है कि वी हैव ए नाइस रूम इन होटल, यहाँ पर पोजेशन है, पोजेस कर रहा है कि आपके पास एक अच्छा रूम है होटल में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वी आर इंजॉइंग आवर होलीडे, वी आर हैविंग ए ग्रेट टाइम। अब टाइम को यहाँ एक्सपीरियंस करने की बात की जा रही है, यहाँ पर पोजेशन नहीं दिखा रहा है बल्कि टाइम को एक्सपीरियंस करने की बात की जा रही है, इसलिए हैव का यहाँ किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो वीपर के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हैव का प्रयोग आप कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, जब उसका उसका प्रयोग पोजेशन के रूप में नहीं होगा तो वो कंटिन्यूअस में हो जाएगा। आगे है देखिए, सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, ये जो वर्ब है ये आपके ज्ञान इंद्रियों से संबंधित वर्ब होते हैं,
जिसको परसेप्शन कहा जाता है, इससे संबंधित ये वर्ब होते हैं, और ये नॉर्मली होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, वी नॉर्मली यूज द प्रेजेंट सिंपल विद दिस वर्ड्स। कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते इनके साथ, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि किसका प्रयोग करते हैं, तो कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे डू यू सी दैट मैन ओवर देयर, आर सींग नहीं होगा यहाँ पर, दिस रूम स्मेल्स, लेट्स ओपन ए विंडो, है ना। वी ऑफन यूज कैन प्लस सी हियर स्मेल टेस्ट, हम कैन के साथ सी का प्रयोग, हियर का प्रयोग, स्मेल टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिसन, कैन यू हियर समथिंग, अरे सुनो, क्या तुम कुछ सुन सकते हो, है ना। बट यू कैन यूज द कंटिन्यूअस विथ सी वेन द मीनिंग इज हैविंग ए मीटिंग विथ, किसी के साथ अगर मीटिंग करना हो, सी का मतलब अगर मिलना होता है, ध्यान रखिएगा, देखना नहीं होता है, अगर सी का अर्थ मिलना होता है तो उस समय आप कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब सी का मतलब मिलना होगा तो वहां आप कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे, ऐसे आप कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आई एम सीइंग द मैनेजर टुमारो मॉर्निंग, कल मैं मैनेजर से मिल रहा हूँ, कल सुबह मिल रहा हूँ, तो मिलने के सेंस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आप वी फोर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको खत्म कर लिया जाए। ही इज सेल्फिश एंड ही इज बींग सेल्फिश। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि ही इज सेल्फिश एंड ही इज बींग सेल्फिश। अब यहाँ पर ये कैसे होगा, और इसको देखना होगा आप लोगों को कि इसको आप कैसे करेंगे। तो दिया है कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज सेल्फिश एंड ही इज बींग सेल्फिश। तो दे रहा है कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑफ बी इज आई एम बींग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बी का आई एम बींग होगा ना, ही इज बींग और यू आर बींग, इट इज ही। ठीक है, आई एम बींग का मतलब होता है आई एम बिहेविंग और आई एम एक्टिंग। ठीक है, मैं बिहेव कर रहा हूँ चाहे मैं एक्ट कर रहा हूँ। करेक्ट, आई कांट अंडरस्टैंड वाई ही इज बींग सो सेल्फिश। बींग सेल्फिश का मतलब होता है बिहेविंग सेल्फिशली एट द मोमेंट, समझ रहे हैं ना। बींग सेल्फिश का मतलब होता है कि इस समय वो किस प्रकार का व्यवहार व्यवहार कर रहा है, तो स्वार्थपन का व्यवहार कर रहा है। ही इज नॉट यूजुअली लाइक दैट, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, ही इज बींग का मतलब होता है उस वक्त वो सेल्फिश का व्यवहार कर रहा है, उसका वो हैबिट नहीं है, बल्कि उस समय वो कर रहा है, ऐसा यह है नहीं। बट ही नेवर थिंक्स अबाउट अदर पीपल, ही इज वेरी सेल्फिश। लेकिन ये कह रहा है कि वो ये याद कर रहा है कि वह कभी भी किसी दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचता है, वह सेल्फिश है। तो यहाँ पर इज बींग नहीं होगा, क्योंकि वो सेल्फिश कम्प्लीटली है, वो पहले से ही सेल्फ, उसकी हैबिट है सेल्फिश होने, वो सॉरी नेचुरल है कि वो सेल्फिश है ना। तो यहाँ पर ये इज ही केवल होगा, इज बींग नहीं होगा। इज बींग कहाँ होगा कि अगर वो चीज़ नहीं है, नेचुरली नहीं है, और एकाएक कोई चीज़ करता है, तो वहाँ पर आप बींग का प्रयोग करेंगे। माने ये जो इज बींग का प्रयोग होगा, केवल इज का प्रयोग नहीं होगा। अगर वो नेचुरली ऐसा है तो केवल इज का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वी यूज एम इज आर प्लस बींग टू से हाउ समबडी इज बिहेविंग। हम एम इज आर प्लस बींग का प्रयोग क्यों करते हैं, ये दिखाने के लिए करते हैं कि वो कोई कैसा व्यवहार कर रहा है। इट इज नॉट यूजुअली पॉसिबल इन अदर सेंटेंस, दूसरे वाक्यों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल इसका प्रयोग हम सेल्फिश या के साथ या बिहेवियर के साथ ही करते हैं। जैसे इट इज हॉट टूडे, इट इज नॉट बींग हॉट, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। सारा इज ए वेरी टायर्ड, तो सारा इज बींग टायर्ड नहीं हो सकता, केवल बिहेवियर को दिखाने के लिए, जैसा कि ऊपर मैंने सेंटेंस में दिखाया है, ये बिहेवियर को दिखाने के लिए केवल एम इज आर प्लस बींग का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि बींग का जब प्रयोग होगा तो उस समय की बात को दिखाएगा, यानी पहले से वो ऐसा नहीं था, एकाएक व्यवहार करने लगा, तो वहाँ बींग का प्रयोग करते हैं। तो केवल व्यवहार के सेंस में, बिहेवियर के सेंस में आता है बींग, एम इज आर प्लस बींग, बाकी किसी के साथ नहीं आता है। आप मत कीजिएगा प्रयोग, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, लुक और फील, ये लास्ट है, इसके बाद हम सिंपल पास्ट को देखेंगे अगले वीडियो में। यू कैन यूज द प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस वेन यू सेज हाउ समबडी लुक्स और फील्स नाउ। अब लुक का प्रयोग कब होता है और फील का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में और कंटिन्यूअस में कब होता है, तो तब होता है जब यू से हाउ समबडी लुक्स और फील्स नाउ। अभी कैसा दिख रहा है, अभी कैसा दिख रहा है, कैसा महसूस करता है या दिखता है अभी, उसके सेंस में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ कह सकते हैं आपकी यू लुक वेल टूडे, आप यहाँ पर आप अच्छा दिख रहे हैं चाहे दिखते हैं, यू आर लुकिंग वेल टूडे, यहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाउ डू यू फील नाउ और फीलिंग नाउ आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर है कि बट आई यूजुअली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग। यहाँ पर अगर बात की जाएगी कि हमेशा ये ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, यूजुअली प्राय मॉर्निंग में ऐसा होता है, ये परमानेंट एक्टिविटी को दिखाने लगा, यानी रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड चीज को दिखाने लगा, तब जाके जो वहाँ सिंपल प्रेजेंट होगा। नहीं तो ऐसे में आप लुक और फील का प्रयोग कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चैप्टर खत्म हुआ। आगे हम सिंपल पास्ट देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कंपेयर करके